हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मारी रसोई बाय कविता ध्रुव। आज हम बनाएंगे धनिया पुदीना वाली कोकोनट की चटनी। ये रेसिपी भी लास्ट रेसिपी के जैसे मल्टीपर्पज है। ये चटनी डोसा, इडली, वड़ा के साथ अच्छा टेस्ट देगी ही, मगर एक बार इसको आप आलू पराठा और भजी के साथ टेस्ट करके देखें, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। समोसे के साथ भी ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। फ्रीज में एक वीक तक ये चटनी को हम स्टोर भी कर सकते हैं। लास्ट रेसिपी आलू मसाला आपने चेक की है या नहीं? नहीं की तो झटपट चेक कर लीजिए। साथ में वेजिटेबल मसाला, मिक्स दाल डोसा और सांभर की रेसिपी भी चेक करना भूलना नहीं। ये सारी साउथ इंडियन रेसिपी बहुत ही झटपट बन जाएगी, टेस्ट में बहुत ही बेहतरीन है और बनाना एकदम ही आसान है। ये सारे रेसिपीज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और ये रेसिपी की लिस्ट और इंग्रेडिएंट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। 1/4 कप ड्राई कोकोनट पाउडर मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। 2/3 कप रोस्टेड दाल या दाल, ये भी मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। 1 टेबलस्पून हरा धनिया, 1 टेबलस्पून पुदीना काट के दोनों मिला के 2 टेबलस्पून लेना है। 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 इंच अदरक, स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 2 हरी मिर्च, 1 से 2 टेबलस्पून पानी, 8 से 10 करी पत्ते, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून उड़द दाल और 2 सूखी लाल मिर्च। पैन में 1/2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म होने पे उस पे दाल या दाल ऐड करेंगे। दाल को लो फ्लेम पे सेकना है। दाल थोड़ी गर्म होने पे इसमें करी पत्ते ऐड करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। करी पत्ते सूख ना जाए तब तक सब कुछ सेकना है। धीरे धीरे ऑयल में सेकने से करी पत्ते अच्छे से ड्राई हो चुके होंगे, दाल भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी होगी। गैस की फ्लेम ऑफ कर लेंगे। ऐसा करने से चटनी में करी पत्ते की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। दाल को अच्छे से ठंडा होने देंगे। दाल अच्छे से ठंडी होने पर एक मिक्सर बाउल में ले लें। ड्राई कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे, अदरक ऐड करेंगे, जीरा डाल देंगे, धनिया और पुदीना ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, जरूरत अनुसार पानी ऐड करके ग्राइंड कर लेना है। चटनी थोड़ी सी दानेदार रखेंगे, बहुत गाढ़ी भी नहीं और पतली भी नहीं, ऐसा टेक्सचर रखना है। धनिया पुदीना ऐड करने से अच्छे से हरा रंग आया है। दाल ठंडी होने के बाद ही पीसे, वरना चटनी बिगड़ने का डर रहेगा। अब नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू के रस की जगह पे आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। एक पैन में 1/2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म होते ही इसमें राई डाल देंगे। बाद में उड़द की दाल ऐड करेंगे, साथ ही में हींग ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और 2 सूखी लाल मिर्च ऐड कर देंगे, करी पत्ते भी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लें। फ्लेम ऑफ करके तड़के को अच्छे से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही चटनी को तड़का करेंगे। मल्टीपर्पज धनिया पुदीना वाली कोकोनट की चटनी बनके तैयार है। आप भी बनाइए, टेस्ट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिले। लाइक करें, शेयर करें। ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बाजू में दिए गए बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।